प्रेसिडेंट जनाब आफ्ताब आलम साहब आए मौजूद हैं, जिससे हमारा जोश और जुनून दो बाला हुआ। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो डाइस पर आए और अपनी कुछ कीमती बात पेश करें। बाकी प्राइस इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आप वेट करें, 5 मिनट के अंदर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। आवाज आ रही है? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم دائس پہ تشریف فرما ہمارے ریسپیکٹڈ ڈگنیٹریز جماعت کے ذمہ داران और ईसाइयों के हमारे साथी अब्दुलसलाम भाई और दीगर बुज़ुर्ग हजरात और इसके पीछे हमारे वॉलंटियर्स ईसाइयों के और यहाँ पे बैठे बच्चों बच्चियों और उनके गार्जियन, आप तमाम लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला की सलामती हो और उसकी रहमतें और उसकी बरकतें आप तमाम लोगों पर नाजिल हो, जिसको हम कहते हैं क्या, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, इसका मतलब सबको पता है। चलिए अच्छी बात, कुछ बात बच्चों के लिए पहले मुख्तसर अंदाज में, कैसा लगा आप लोगों को आज का इस प्रोग्राम कैसा लगा, आप लोगों को ये जो स्पोर्ट्स इवेंट कराया गया कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा। एक साथ बोलिए, अच्छा। हाथ उठा के एक साथ बोलिए, अच्छा। सबका हाथ नहीं उठाया, उस तरफ से बच्चों का हाथ नहीं उठाए, एक बार जोर से हाथ उठा के बोलिए अच्छा लगा। अच्छा एक सवाल और, इस तरह का कोई प्रोग्राम आज के बाद अगर किया जाएगा तो आप आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। फिर से एक बार सारे लोग हाथ उठा के बोलिए। अच्छा ठीक है, जब कोई बोला है, जब कोई बात बोले कि आप आइएगा या नहीं आइएगा या आपको आना है तो क्या बोलना चाहिए? आएंगे। नहीं, इंशाअल्लाह। ठीक है तो एक बार सारे लोग हाथ उठा के बोलिए इंशाअल्लाह। सारे लोग हाथ नहीं उठ रहा है बीच में, सारे लोग हाथ उठा के बोलिए इंशाअल्लाह। चलिए बहुत खूब, ये तो बात बच्चों के लिए, वक्त बहुत नहीं है कि बच्चों से कुछ ज़्यादा गुफ्तगू की जाए क्योंकि पहले ही एग्जॉस्ट हो चुके हैं ये, तो कुछ बात इनके गार्जियंस के लिए जो यहाँ पे बैठे हैं, और वो अहम बात ये है कि आज के इस पुरफितन दौर में किसी गार्जियन के पास कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि वो अपने बच्चों की तरबियत किसके हवाले कराएं या किसके हवाले बच्चों को किया जाए जिससे वो एक अच्छा इंसान बने। आपके स्कूल का करिकुलर, आपके स्कूल का सिलेबस, आपके स्कूल के मैनेजमेंट इस तरह से नहीं है जहाँ पे आप अपने बच्चों को भेज के इत्मीनान महसूस कर सकें और ये कह सकें कि अगर मैंने अपने बच्चों को इस स्कूल में डाला है तो मेरा बच्चा एक बेहतर इंसान बन के निकलेगा, या अगर आप मुस्लिम हैं तो ये आप सोच सकते हो कि मैंने अगर अपने बच्चों को इस स्कूल में डाला हो किसी भी स्कूल में तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वहाँ से एक बेहतरीन मोमिन बन के निकलेगा, जो कि हमारी और आपकी अवलीन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर लॉयर बनाने से पहले उसको एक अच्छा इंसान बनाया जाए और एक अच्छा मुसलमान बनाया जाए जो अल्लाह का फरमा बरदार हो, जो इस दुनिया में अगर डॉक्टर नहीं भी बन पाए तो भी अल्लाह के यहाँ कामयाब हो जाए। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है जो यहाँ पे गार्जियन हजरात बैठे हैं कि जो बच्चों का प्रोग्राम चलता है हम लोगों का ICA का आइडियल चिल्ड्रेंस एसोसिएशन का, वो संडे के दिन 4 बजे चलता है शाम में, एड्रेस क्या है, उर्दू स्कूल के सामने जो जमात का दफ्तर है, कितने लोगों ने देखा है? आप सब लोगों ने देखा है माशाल्लाह, आप सब लोग आइए वहाँ पे। कब आना है? संडे के दिन कितने बजे? 4 बजे शाम में। अकेले आना है? अकेले आना है? नहीं, अपने दोस्तों को भी लेकर आना है। कितने दोस्तों को लाना है? कम से कम एक बच्चा एक दोस्त को लेकर आए। आपके सर्कल में आपके दोस्त होंगे जो यहाँ पे अभी मौजूद नहीं होंगे, आप लोगों ने जो एंटरटेनमेंट किया यहाँ पे वो इतना एंटरटेनमेंट उनको नहीं मिला होगा, तो आप चाहते हैं कि उनको भी ऐसा ही एंटरटेनमेंट मिले, तो एक बच्चा अपने एक साथी को लेकर कहाँ पहुँचना है? दफ्तर पे पहुँचना है, ठीक है इंशाल्लाह। तो इस बात का ख्याल आप तमाम गार्जियन हजरात रखेंगे। और एक आखिरी बात यहाँ पे वॉलंटियर्स के लिए कि मैं जब आ रहा था तो मुझे ये यकीन नहीं था कि आपका प्रोग्राम इस तरह इस अंदाज से वेल ऑर्गेनाइज होगा। स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होता है,
और हम लोगों ने देखा है, मैंने जब देखा कि आप यहाँ पे जो टैग है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड का आप लोगों ने रखा है, तो मैं ये सोचा कि ये प्रोग्राम वाकई वेल ऑर्गेनाइज है और इसको कोई ऐसे लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिन लोगों ने स्पोर्ट्स मीट बहुत दफ़ा कराया हो। लेकिन मुझे मालूम चला कि ये सारे नौजवान जो यहाँ पे इकट्ठा हैं, जिन लोगों ने अभी बैच पहना है, सहयोग का टी शर्ट पहना है, तो ये लोग पहले ही बार ये इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह आप तमाम लोगों को इसका अजर अजीम अता फरमाए कि आप लोग बच्चों को इस तरह से इंगेज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और दिस इज़ व्हाट आवर आइडियोलॉजी मेक, यही है जो हमारी विचारधारा बताती है, सिखाती है कि अपने नौजवानी को, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि चार सवाल जब तक किसी शख्स से नहीं होगा तब तक उस शख्स का पैर क़यामत के दिन ज़मीन से नहीं हिलेगा, उस तपिश में उस ज़मीन से नहीं हिलेगा। उसमें एक सवाल ये भी होगा कि बताओ तुमने जवानी कहाँ गुजारी, एक सवाल ये भी होगा कि बताओ तुमने उम्र कहाँ गुजारी। तो उम्र का तो आप सवाल का जवाब दे सकते हैं, लेकिन जब अल्लाह जवानी का पूछेगा तो इंशाअल्लाह इस तरह के इवेंट्स जो आप करा रहे हैं, आप तमाम नौजवान जो वॉलंटियर्स जो बैच लगाए, टी शर्ट पहने और आई कार्ड लगाए जब खड़े हैं और इस तमाम प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इस दौर में जब लोग पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी में बिजी हैं, इस दौर में जब लोग नेटफ्लिक्स में बिजी हैं, आप इस दौर में भी ऐसे लोग हैं जो इस दौर में लोगों को बदलने के लिए और समाज में तब्दीली लाने के लिए और एक बच्चे को अच्छा बच्चा और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए धूप में मेहनत कर रहे हैं। ये चेयर, ये टेबल, ये पोडियम, ये माइक, ये सारा गिफ्ट अरेंजमेंट, ये आपका प्रोग्राम शेड्यूल का डिजाइन करना, ये आपका फ्लैग लगाना, ये आपका जो ये रेस आप देख रहे हैं, इसमें जो चूना लगाया गया है, कितना मेहनत लगता है आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, जो कर रहे हैं वही अंदाज़ा इसका लगा सकते हैं। आप तमाम लोग मुबारकबाद के हकदार हैं और आप तमाम लोगों को अल्लाह देख रहा है कि आप किस मकसद के लिए काम कर रहे हैं, किस आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं और आपके इस काम करने के पीछे मकसद क्या है। तो अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों को अजर अजीम अता फरमाए और जो हमारे इरफान भाई हैं जिन्होंने बहुत मेहनत किया है, उनके लिए भी एक बार आप ताली बजा दें और उनके लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनको इस तरह से मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। और आप लोग खुशनसीब हैं कि आपको ऐसे मेंटोर मिले हैं जो आपको हर वक्त आपको गाइड कर रहे हैं। उसके बाद जमात के जो जिम्मेदारान हैं वहाँ पे, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सहयोग झारखंड की तरफ से उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया कि वो आप तमाम लोगों के ऊपर मेहनत कर रहे हैं और इस तरह से कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में जो भी कमी रही, जो भी बेची रही, वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन आप लोगों की मेहनत को देख कर मैं ये समझ सकता हूँ कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि पूरे झारखंड में जो सहयोग के लोग हैं उनको गाइड करना है, उनको ऑर्गेनाइज करना है, उनको मोबिलाइज करना है और समाज की तब्दीली के लिए उनको खड़ा करना है। उस दौर में जब आज सही नौजवान और साले नौजवान की कमी है और समाज वैसे लोगों का इंतज़ार कर रहा है, उस दौर में हमको ऐसे लोगों को बनाना है और एसआईयू के लोग, एसआईयू के नौजवान, एसआईयू को चलाने वाले लोग इस कुर्बानी को देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीज़ों को कबूल फरमाए और इसके बदले में एक बेहतर माशरा, एक अच्छा माहौल जो सबके लिए रहने के लिए हो। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक टर्म यूज़ किया जाता है, जो लोग पढ़ते होंगे उनको मालूम होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम अपने देश को, अपने राज्य को, अपने मकाम को, इस कुमारधुबी को, इस ये जो इलाका है इसको हम लोग तब्दील कर सके एक बेहतर समाज में, जहाँ किसी के लिए कोई डर ना हो, किसी के लिए कोई खौफ ना हो, कोई नाइंसाफ़ी ना हो, हमेशा बराबरी को ऊपर रखा जाए। तो इसके लिए हम लोग कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। और आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, बच्चों का शुक्रिया और वो तमाम लोगों को भी मुबारकबाद जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे आए, उन तमाम लोगों को भी मुबारकबाद जिन लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक गेन नहीं किया, जो सही से खेल नहीं पाए या जो लोग सही से परफॉर्म नहीं कर पाए, उन तमाम लोगों को भी मुबारकबाद, इसलिए कि उनके अंदर हिम्मत थी, उनके अंदर जुर्रत थी और वो पार्टिसिपेट थे और उनके अंदर ये करेज था कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। ये आपकी जो विचारधारा, ये थिंकिंग है, यही आपको आपके करियर में, आपके एजुकेशन में, आपके पढ़ाई में, हर चीज़ में आपको आगे लेकर जाएगी। तो उस स्पिरिट को डेवलप करने की कोशिश कीजिए तो इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों को जो आप चाहते हैं उसमें कामयाब करेगा। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।